हाय दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ यास्मीन और मेरे साथ है तन्वी। दोस्तों, बिग बॉस 13 अपने आगाज के साथ ही काफी चर्चाओं में बना हुआ है। ना सिर्फ शो के डाई हार्ट फैंस के बीच बल्कि सोशल मीडिया पर भी लगातार इसे लेकर चर्चाएं हो रही है। तो दोस्तों, अब फाइनली वो दिन आ गया है जब हर एक कंटेस्टेंट की लगेगी क्लास। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीकेंड का वार की। शो में आज इस सीजन का पहला वीकेंड का वार लोगों को देखने को मिलेगा, जिसका एक वीडियो सामने आया है तन्वी, जिसे लेकर अब कुछ पॉइंटर्स बता देते हैं लोगों को। बिल्कुल, पहला पॉइंट जो है वो ये है यास्मीन की सुल्तानी अखाड़ा होगा इस बार, और सुल्तानी अखाड़ा हर सीजन में होता है। इस बार सबसे पहले जो सुल्तानी अखाड़े में जाने वाले हैं वो है सिद्धार्थ दे और सिद्धार्थ शुक्ला। दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन तगड़ा होगा, लेकिन जो जीतेगा वो है सिद्धार्थ शुक्ला। बिल्कुल तन्वी, इसके बाद है दूसरे नंबर पर बताती हूँ मैं कि सीजन 11 की कंटेस्टेंट और टीवी एक्ट्रेस हीना खान, वो उनकी भी एंट्री होने वाली है शो में इस बार, जो शो में आके घर वालों के साथ भी मिलेंगी और उन्हें सुपरमार्केट टास्क से इंट्रोड्यूस कराएंगी, उन्हें बताएंगी कि आखिर उन्हें इस बार क्या टास्क करना है। इसके अलावा यास्मीन, और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। मैंने जो वीडियो देखी उसमें मुझे बेस्ट चीज़ ये लगी कि आज वीकेंड के वार में हमें शहनाज फिर से नौटंकी करते हुए दिखने वाली है। वो घुमरो घुमरो गाने पे डांस करेंगी, सलमान खान उन्हें बहुत ही प्यारे अंदाज से बोलेंगे कि तुम कश्मीर की तो नहीं हो, कश्मीर के तो यहाँ पे माहिरा और सीम ही है, लेकिन तुम घुमरो घुमरो में डांस करते हो तो डांस करके दिखाओ। तो शहनाज डांस करके दिखाती हैं, उसके बाद वो खूब बटरिंग करती हैं सलमान खान की कि आपने भी सेम कपड़े पहने हैं, मैंने भी सेम। तो और वो इतना ही नहीं, यास्मीन तुमने भी वीडियो देखा होगा, शहनाज काफी कुछ बोल रही हाँ, है उसमें। बहुत। उसके बाद फिर एक और चीज है कि सलमान यहाँ पे कंटेस्टेंट से कुछ सवाल पूछते हैं। वैसा होता है कि एक एक कंटेस्टेंट एक जगह पे जाके उन्हें कुछ सलमान कुछ सवाल पूछते हैं उनसे, और कंटेस्टेंट अगर उस जवाब सवाल अगर जवाब उनका गलत होता है, अगर वो जवाब गलत होता है तो उनके ऊपर बौछार होती है। अब बौछार किस चीज की होती है ये देख कर, तो कभी खून जैसे पानी, जैसे कि लाल लाल कलर का खून जैसा निकल रहा होता है, तो बहुत सारी अलग अलग चीजों की बारिश होने लग जाती है अगर आपके जो मैच नहीं करता आंसर। तो वहीं सलमान खान इसके अलावा यास्मीन बहुत ज़्यादा क्लास भी लगाने वाले हैं। वो बहुओं की एक टीम जो बन चुकी है उसको लेकर बात करेंगे, गुस्से में चिल्लाते हुए भी नजर आए हैं, और इवन उन्होंने ये भी बोला है गेट आउट। तो वीडियो में गेट आउट उन्होंने साफ तो नहीं नजर आ रहा है कि वो किसको कह रहे हैं, लेकिन वो आज वीकेंड के बार में पता चल जाएगा कि उन्होंने किसे बोला है। मुझे लगता है तन्वी कि यहाँ पे गेट आउट जो कहा है उन्हें, हो सकता है कि आसिम रियाज को कहा हो, क्योंकि शो में देखा होगा तुमने भी कि उन्होंने टास्क परफॉर्म करने से पहले ही गिव अप कर दिया था, उन्होंने कोशिश तक नहीं की थी। खबर यही है कि सलमान खान ने गेट आउट जो बोला है वो उन्हीं को बोला है कि उन्होंने टास्क भी परफॉर्म नहीं किया। तो हो सकता है कि वीकेंड के बारे में वैसे आज पता चल जाएगा कि किसे बोल रहे हैं, मजाक में बोल रहे हैं सलमान खान या सच में बोल रहे हैं, क्योंकि कभी कभी सलमान खान भी अच्छे मूड में आते हैं और वो वाट लगाने के साथ साथ खूब मस्ती मजाक भी करते हैं। तो हो सकता है गेट आउट वाली बात जो है वो बस ऐसी ही फालतू में सलमान खान से मजे ले रहे हों कंटेस्टेंट से, तो ये भी हो सकता है। बिल्कुल। तो अब दोस्तों देखना ये होगा कि आज वीकेंड के वार पर सलमान, पता चलेगा कि किसे बाहर करेंगे और या फिर किसकी क्लास लगाएंगे। तो वैसे आप बिग बॉस से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।